गाइस तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो फाइनली अभी दिन के लगभग 10:30 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं। तो गाइस आपको मीनिंग ये जो काकरिया जू है उसके अंदर आने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का मेन गेट दिखेगा और मेन गेट के जस्ट बाजू में ही है ये, आपको सामने इंडिया लिखा हुआ दिख जाएगा। या आप यहाँ पे फोटो शूट करवा सकते हो या आप अपने फैमिली के साथ फोटो शूट करवा सकते हो। आप वहाँ पे खड़े होने के लिए आज हम आए हुए हैं अहमदाबाद के बहुत ही मशहूर और बहुत ही खास जगह पे, जिसका आज मैं ब्लॉग करने वाला हूँ। वो है, उसका नाम है काकरिया लेक, भी बहुत से लोग बोलते हैं काकरिया जू, भी बहुत से लोग बोलते हैं और इसको काकरिया गार्डन भी बहुत से लोग बोलते हैं। और ये मणिनगर के किनारे पे स्थित एक गार्डन है, एक जू है जहाँ पे लोग घूमने आते हैं। और गर्मी के समय में दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पे आने के बाद। तो मैं आज आपको फाइनली काकरिया जू दिखाने वाला हूँ। आपको मेरे सामने गेट दिख जाएगा, तमाम सारे कर्मचारी यहाँ पे खड़े हैं काकरिया जू के बाहर। तो चलो हम चलते हैं अंदर और बाकी सारी बातें और बाकी सारे व्यू अंदर ही देखते हैं। पहले तो हमको टिकट लेना होगा जिसका प्राइस है 10 रुपये। चलो चलते हैं हम टिकट के पास, काउंटर के पास लेते हैं टिकट, मिलते हैं आपसे अंदर। भाई जैसा कि अभी हम चल चुके हैं अंदर की साइड और यह रहा हमारा टिकट काउंटर, यहाँ से हम टिकट लेंगे। एक टिकट हमको लेना है, मैं तो अकेला हूँ फिलहाल अभी, तो टिकट लेंगे। शायद अंकल जी हैं भी नहीं। काकरिया जू है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे कुछ भाई साहब लोग यहाँ पे फोटो भी शूट करा रहे हैं, आप देख सकते हो सामने ही इस प्रकार। और ये जो मेन गेट है, और दोस्तों फाइनली मैंने टिकट ले लिया हुआ है 10 रुपये का। ये देख सकते हो सामने मेरा टिकट है, ये टिकट 10 रुपये का। अब इस टिकट पे पूरा दिन आप इसके अंदर घूम सकते हो, देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। और गर्मी के मौसम में दोस्तों काकरिया के अंदर आने का कुछ मज़ा ही दूसरा होता है। आप देख सकते हो भीड़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, अभी तो जू खुला हुआ है फाइनली, इसलिए भीड़ थोड़ा कम है, पर भीड़ बढ़ती जा रही है। और ये रे फाइनली हमारे कुछ सब्सक्राइबर भैया जो आप देख सकते हो, फोटो शूट करवा रहे हैं, इनका भी कुछ यूट्यूब चैनल है। और हम अभी भैया के नए दोस्त बने हैं, अभी हमारे फाइनली नए सब्सक्राइबर हैं। मालूम नहीं था इतने ग्रेट, इतने महान यूट्यूबर हमारे एरिया में रहते हैं, अभी हमको पता चला, अब हम साथ में कोलैब करेंगे। तो हमारे फाइनली तुरंत अभी फाइनली हमको मालूम चला, तुरंत देखने मिलेगा, कुछ नया आपको मिलेगा। और भैया जी का कहना है कि आपको हर दिन कुछ नया और कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो गाइस तो फाइनली अभी हम मिनी काकरिया के अंदर आ चुके हैं और पूरी काकरिया में आज आपको घूम के एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ काकरिया के अंदर क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से आप जा सकते हो, क्या क्या आप ज़्यादा देख सकते हो और क्या ज़्यादा आपको देखने मज़ा आने वाला दोस्तों काकरिया। गाइस तो अभी फाइनली हम काकरिया जू के अंदर, आपको वहाँ गेट नंबर 1 का मैंने आपको बताया कि गेट नंबर आपसे 1 से आप एंट्री करोगे, आप गेट नंबर किसी भी से एंट्री कर सकते हो और कहीं से भी निकल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और जू के अंदर भी हम आ चुके हैं और आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाना है, बताना है। काकरिया जू काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसलिए काफ़ी ज़्यादा समय भी लगेगा और वीडियो भी शायद काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और हम गेट चल रहे हैं घूमते घूमते, भी आपको जू के अंदर भी चलूँगा, वहाँ भी शायद कुछ दिखाऊँगा आपको। जो जू का टाइम है खुलने का वो है 10 बजे का, इसके अंदर जाने का 30 से 35 रुपये का टिकट आएगा, आपको 30 से 35 रुपये पे करने पड़ेंगे। फिर आपको देख सकते हो पानी में काफ़ी ज़्यादा स्टीमर्स चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नाव चल रही हैं। तो आप अगर मेरी काकरिया जू घूमने आते हो, काकरिया लेक घूमने आते हो, तो आप यहाँ पर आके इंजॉय करो। अहमदाबाद की गर्मी दोस्तों इस समय अगर आज की टेम्परेचर की बात की जाए तो 40 है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं और बैठ के अपना एंजॉय करते हैं, घूमते टहलते। थोड़ा 10 रुपये टिकट में होता क्या दोस्तों, बैठ लेते हैं, घूम लेते हैं, थोड़ा पूरा दिन एंजॉय करते हैं। दोस्तों फाइनली यहाँ पे ट्रेन चलती थी यहाँ पे, देख सकते हो ट्रेन की पटरी भी यहाँ पर लगी हुई है इस प्रकार से, कुछ देख सकते हो यहाँ से। तो अभी फाइनली ट्रेन तो है बंद, ट्रेन का क्योंकि वर्क चालू है, देख सकते हो फिर ट्रेन की पटरियाँ नई बनाई जा रही हैं, फिर उसके बाद इस पर ट्रेन दौड़ाई जाएंगी वापस से। ये है इस काकरिया तालाब के पास, आपको काकरिया जू के अंदर आपको एक छोटी सी मंदिर भी देखने को मिल जाएगी इस तरफ। और फाइनली अभी जो मैं आपको बता रहा था, जो इस काकरिया के अंदर जो ट्रेन चला करती थी ट्रेन, छोटी ट्रेन जो बच्चों के लिए थी, मतलब बच्चे उसमें बैठ के पूरे काकरिया का आराम से घूम सकते थे, जो बूढ़े बुजुर्ग थे, बूढ़े लोग थे, चल नहीं पाते थे, आते भी थे तो कर रहे थे, तो उनके लिए भी ट्रेन जो थी, उनकी ट्रेन अभी है बंद क्योंकि ट्रेन का भी वर्क है चालू, नई पटरी बनाई जा रही, वो पटरी काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए थे। तो ये छोटा सा मंदिर भी आपको तालाब के बगल में और काकरिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो अभी हम फाइनली गेट नंबर 3 तक पहुँच चुके हैं, गेट नंबर 2 तक पहुँच चुके हैं। तो अभी हम ये रहा सामने गेट नंबर 2 और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू मिल रहा है। दोस्तों काकरिया जू जो है वो खाली बस आपको मतलब थोड़ा अच्छा
टाइम पास के लिए है ये का जू। आप यहाँ छात्रों के लिए खास यहाँ पे मनाई है, छात्र यहाँ पे नहीं आते, जो जो स्टूडेंट हैं जो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको अगर यहाँ पे आना है तो वो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनके लिए यहाँ पे अलाउ नहीं है, क्योंकि बच्चे गुल्ली मार के यहाँ पे आ जाते हैं घूमने के लिए, तो इसलिए उनको यहाँ पे आने से मनाई कर दिया गया है, उनको नहीं आने दिया इसके अंदर काकरिया के अंदर दोस्तों। तो ये है काकरिया की खासियत और काकरिया की खूबियाँ दोस्तों ये है। और यहाँ से स्टीमर आपको यहाँ पर मिल सकती है, लगभग आपको 3 से 4 जगह पर स्टीमर मिलने का चांस है पूरे तालाब के अंदर। अभी तालाब के अंदर दोस्तों जो पानी है वो काफ़ी कम है, पूरी पूरा प्रॉपर से पानी नहीं है, मछलियाँ इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े हैं मैं देख रहा हूँ। अभी हम काकरिया जू का जो तालाब था पूरा तालाब घूम चुके हैं, गेट नंबर 1 से घुसे थे और गेट नंबर 5 के पास हम आ चुके हैं, 5 के पास आ चुके हैं। गेट पूरा काकरिया दोस्तों घूम सकते हो आप अच्छे तरीके से, छोटे से प्राइस के अंदर आप घर से आ सकते हो, सुबह जल्दी निकलो आप, खाना पानी लेके आ सकते हो, बैठ के खा सकते हो। बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षित है ये काकरिया जू, जो काफ़ी बच्चे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं। इसके अंदर आपको टाइगर भी देखने को मिल गया, हाथी भी देखने को मिल गया अंदर जाओगे अगर आप, तो अंदर तो मैं जाऊँगा नहीं फिलहाल क्योंकि मुझे अंदर जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं आप लोगों को दिखाऊँगा अगली वीडियो ला के लेके आऊँगा अपना, तो दिखाऊँगा उसमें आप लोगों को। और ये दोस्तों जो वीडियो भी काकरिया जू आने का मतलब था मेरा आप लोगों को बताना था, दिखाना था कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी के समय दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला, यहाँ पे पसीना नहीं होने वाला आपको काकरिया जू के अंदर। मैं पूरा काकरिया भी घूम चुका हूँ और आप लोगों को भी घुमा चुका हूँ पूरा काकरिया। सबसे बड़ी नोटिस करने वाली बात ये थी कि आपको काकरिया के अंदर होटल भी मिल जाते हैं, आप यहाँ पे होटल भी कर सकते हो, होटल में बैठ के आप नाश्ता भी कर सकते हो, खाना भी खा सकते हो, चाय पानी भी कर सकते हो। और भी आपको ये देखो यहाँ पे अंदर स्टीमर चल रही है, पानी के अंदर स्टीमर भी चल रही है, इसके अंदर लोग इंजॉय कर रहे हैं। और ट्रेन का भी दोस्तों काम चालू है, अभी ट्रेन का फिलहाल अभी के लिए तो काम नहीं चालू, चल नहीं ट्रेन, पर चलेगी जरूर क्योंकि काम से चालू, तो ट्रेन चलेगी जरूर दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को काकरिया जू जो था वो प्रॉपर तरीके से घुमाया है और जो कुछ मुझे पता था मैंने जो देखा था, जो कि अंदर के जो जानवर थे उनको नहीं दिखाया मैं, बाकी सारा चीज़ आपको काकरिया जू का दिखा दिया। और दोस्तों अगर आप अहमदाबाद में आते हो काकरिया जू ना आए तो फिर कोई बात ही नहीं है, काकरिया जू काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी जू भी है। मैं यहाँ पर आने के बाद बाहर निकलने की इच्छा नहीं है, बट मुझे बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे घर जाना है, यहाँ से जाऊँगा घर क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगभग 1 बज चुके हैं काकरिया जू के अंदर अंदर। तो गाइस तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं आपसे ऐसे ही कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ कहीं अलग से। जय।